खबर है एटा से। थाना जसरतपुर जनपद इंटेलिजेंस विंग तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई 20 लाख की फिरौती के लिए हुई। 16 वर्ष किशोर के अपहरण की घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण। 3 महिला आरोपी सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार। अपहृत किशोर सकुशल बरामद। दिनांक 7/8/2024 को वादी श्री सोएब हुसैन पुत्र श्री अशफाक हुसैन निवासी ग्राम नंदराला थाना जसरतपुर जनपद एटा द्वारा थाना जसरतपुर पर सूचना दी गई कि वादी का भाई जो अब उम्र करीब 16 वर्ष दिनांक 6/8/2024 को दिन के करीब 12 बजे मनोगार्ड पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए गया था और वहां से गायब हो गया। परिजनों द्वारा ढूंढने पर नहीं मिला। शाम को वादी के भाई ने फोन कर बताया कि भनोगाट पेट्रोल पंप के सामने उससे 2 लड़कियों ने लिफ्ट मांगी। बाइक पर बिठाने के बाद दोनों ने छुरी तथा कट्टा दिखाकर उसे धमकाया और फर्दपुर तक छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद वादी का भाई बोला कि लड़कियों से बात कर लो। वादी द्वारा लड़कियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह अलीगढ़ से बोल रही हैं तथा अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो सुबह 10 बजे तक अलीगढ़ 20 लाख रुपए लेकर आ जाओ और फोन कर दिया। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा एक अन्य फरार अभियुक्त दीपक पुत्र वीरेंद्र निवासी कौशल्या थाना जैथरा जनपद एटा की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इंडो 24/7 लाइव टीवी पर राघेंद्र यादव। लड़के का बरामदगी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हमारे थाना जफरतपुर का मामला है। जोएब नाम का 16 वर्ष का लड़का है जो 6 तारीख को ही 12 बजे के बाद पेट्रोल भरवाने के लिए जो है निकला है और भनाओं में पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो है तेल डलवाया और उसके बाद जब वहाँ पर चलता है तो उसका जो है 2 लड़कियों और उसमें 3 जो है वो सब जो है उसका वहाँ पे अपहरण कर लेते हैं और जैसा में जो है ला करके रखे रहते हैं। इसी के मोबाइल फ़ोन पे जो है इसके घर पे जो है सूचना देते हैं। 20 लाख फिरौती की मांग की जा रही थी कि हम लोग जो है अलीगढ़ में हैं, अगर 20 लाख फिरौती नहीं दोगे हम इनको दिल्ली पहुँचा देंगे और उनके साथ कुछ कर देंगे। इनकी सूचना हम लोगों को कल जो है कल 7-8 को जो है जैसे ही सूचना दी है तुरंत जो है FIR जो है संगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण के बाद तुरंत घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है टीमें बनाई गई जिसमें सर्विलांस टीम, क्वाड टीम और हमारी इंटेलिजेंस टीम थाना जफरतपुर, थाना जलेश्वर और थाना जैथरा संयुक्त टीम कार्रवाई में लगी और बेहतरीन हमारी सर्विलांस टीम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और इसीलिए रात 8:30 बजे के करीब जो है इसके कस्बे में जो किराए का मकान है उस मकान पर तबीज दे करके अपहृत जो एक को जो है सफल बरामद कर लिया गया और कुल मौके पे 5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, 1 व्यक्ति जो अपहरण में शामिल रहा है वो अभी फरार चल रहा है, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। अपहरण जो है पैसे के लिए और इसमें महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है इसको गिरफ्तार बच्चे का अपहरण के लिए। हाँ, ये पूरी की पूरी सुनियोजित तरीके से जो है अपहरण की गणना की गई। कारण ये था कि जो मुख्य साजिशकर्ता अभियुक्त जयचंद है इसका संपर्क इनके परिवार से काफ़ी पहले से रहा। जब जफरतपुर में ये होमगार्ड के पद पे तैनात रहा उस समय जफरतपुर में इस अपहृत के परिवार से इनके संबंध रहे, लेना देना भी रहा, वो बखूबी इनको जानता था और इनकी जमीन अब तक के विवेचना में ये चीज़ें आई है कि इसकी जमीन सड़क के किनारे है जो इस समय करोड़ों की संपत्ति है तो उस संपत्ति के लालच के लिए कि इनके द्वारा सुनियोजित इसलिए किया गया कि इसने दिल्ली से जो है अपनी सालियों को जो है बुलवाया और 5-6 दिन पहले से ही
इस लड़के को जो है उनसे फ़ोन करवा करके ब्लैकमेलिंग करता रहा, लड़कियों से मेल मिलाप और उन्हीं लड़कियों के फोन के माध्यम से इसको जो है पेट्रोल पंप पे बुलवाया गया और फिर वहाँ पे अपहरण करके रखा। क्या इस पूरे अपहरण की थ्योरी के पीछे जो महिलाएं थी लड़कियां थी उनसे कोई प्रेमालाप बढ़ाने की बात की थी जिससे उनको झांसे में फंसाया जाकर प्रेम संबंध बना के? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही बात थी कि ये अपहृत के मोबाइल पर भी खूब है और कई कई बार जो है उन लड़कियों से बात हुई है प्यार के जालों में फंसा के सर। हाँ, जिससे ये है कि किसी न किसी तरीके से जो है हमें इसे जो है पा करके लाना है। अच्छा, इस टीम को कितना कोई रिवार्ड दिया गया है? हाँ, इस टीम को आईजी रेंज अलीगढ़ महोदय द्वारा जो है पूरी टीम को जो है इस घटना के अनावरण पर जो है 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।